नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा। भास्कर न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले चार सालों से 250 करोड़ की लागत से जबलपुर से मंडला होकर रायपुर की ओर जाने वाले राज्य राष्ट्रीय मार्ग बनाया जा रहा है, लेकिन इस सड़क की बदहाली के चलते 2 घंटे का सफर भी 5 घंटों में तय होता है। हालत इतनी बुरी है कि यहां आए दिन दुर्घटना हो रही है। पिछले महीने ही यहां एक ट्रक ने करीब 20 मवेशियों को कुचल कर मार डाला था। वहीं एक जनपद अधिकारी की भी मौत इसी सड़क पर एक्सीडेंट के चलते हो चुकी है। लगातार ऐसी ही घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी नेता या अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सड़क निर्माण कंपनी पर कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहा है। मंडला से रायपुर की ओर जाने वाले इस हाईवे मार्ग को लगातार 4 साल का समय हो चुका है। इस निर्माण कार्य की गति जिस गति से चल रही है, निश्चित रूप से यह आने वाले लंबे समय के बाद भी पूरा होना मुश्किल है। मंडला जिले में 3 कलेक्टरों के बदल जाने के बाद भी इस मार्ग की गति आज भी नहीं सुधरी है। लगातार लंबे चौड़े गड्ढे होने के बाद यहाँ पर आए दिन किसी न किसी प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती हैं और लगातार जान माल का नुकसान बना हुआ है। यहाँ पर लोगों के परेशानी का आलम यह है कि 1 घंटे के सफर को लगभग 5 घंटे में तय किया जाता है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस प्रोजेक्ट को कब पूरा किया जाएगा और यह हाईवे जनता के लिए कब बनकर पूर्ण हो पाएगा। भास्कर न्यूज के लिए मंडला से अनिल जांगड़े की रिपोर्ट। जब इस बारे में मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते से पूछा गया तो उन्होंने भी गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि निर्माण के चलते ऐसी कठिनाइयां और दिक्कतें आती रहती हैं। इससे भी आगे बढ़कर वे कहते हैं कि जैसे भी ये सड़क बन रही है बनने दीजिए, बस लोगों को खुश होना चाहिए। हैरत की बात तो यह है कि जब से इस सड़क का निर्माण शुरू हुआ है, जिले से 2 कलेक्टरों का भी तबादला हो चुका है। भैया ऐसा है, देखिए इसका कोई कमिटमेंट नहीं। देखिए आपको इस बात की प्रसन्नता होना चाहिए कि ये रोड बन रहा है, ऑनगोइंग है, थोड़ा समय लगेगा। उनके आपस के झगड़े के कारण वो काम विलंब हुआ। हमारा ये प्रयास है कि उसमें अभी काम शुरू हुआ है यहाँ से, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ये काम भी पूरा हो जाएगा। आते ही उसको ध्यान दिया था, काफी समय से लंबे समय से हाईवे बन रहा है, उस हाईवे का काम जो है थोड़ा धीमी गति से चल रहा है। मैंने हाईवे की जो अथॉरिटी है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उनके अधिकारियों से इस संबंध में लाइजरी के लिए PWD को लगाया हुआ था। 3 तारीख तक उनके वहाँ मीटिंग्स और दूसरी रास्ता हैं, वो 4 तारीख को फ्री रहेंगे। यहाँ मैंने बुलाया है, मैं उनके साथ कार्यक्रम। ये वाले जो हैं वो इंसानों की जान को बहुत ही सस्ती समझ रहे हैं और यहाँ पे इस रूट पे पर डे बहुत अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं, और कभी बड़ा हादसा हो जाएगा कभी प्रशासन जागेगा। अभी प्रशासन तो सो रहा है, पूरे रास्ते में हर कहीं 1 फीट का गड्ढा है, कहीं 3 फीट का गड्ढा है। कार जाती है गड्ढे में, घुस जाती है, नीचे चैम्बर में लगती है, पर डे एक्सीडेंट होते रहते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता मंजू शर्मा जी। मंजू जी स्वागत है आपका। मंजू जी, आपने पूरी रिपोर्ट देखी है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, 20 मवेशियों की जान चली गई है एक्सीडेंट में, क्या कहना है आपका? नेहा जी, ये जो इशू है नेशनल हाईवे का जी, जो जबलपुर से मंडला और मंडला से रायपुर तक बनने वाला है, और जैसा कि आपने बताया कि 2014 में ये पास हुआ था जी, 2014 से आज हम 2019 में बैठे हैं, करीब करीब 4 से 4.5 साल इसका निकल चुका है समय। मुझे नहीं लगता कि ये इशू इतना लंबा जाना चाहिए था। अगर इतना लंबा टाइम गया है और आज भी नेशनल हाईवे अनकम्प्लीट है, और जैसा कि हम लोगों ने रिपोर्ट में देखा कि रास्ते खुदे हुए पड़े हुए हैं और चारों तरफ मिट्टी पत्थर और रास्ता है ही नहीं जी, जो भी रहा होगा आज की डेट में वो भी खुदा हुआ पड़ा है, काम बहुत ज्यादा अपूर्ण है, अनकम्प्लीट है। तो इन चीजों से लग रहा है कि घटनाएं तो वहां पर आए दिन होनी ही है। आज हमारे पास जो डेटा है वो जानवरों के एक्सीडेंट का है, और निश्चित ही इस रोड पर, इस हाईवे पे कई और भी एक्सीडेंट हुए होंगे जिसमें गाड़ियों का और जान माल का दोनों ही नुकसान हुआ होगा। तो ये जो हाईवे का जो काम कंस्ट्रक्शन का इतना लंबा खिंचा, तो स्थानीय स्तर पे जो प्रशासन है और जो जनप्रतिनिधि है, जिसमें खासकर सांसद जी को हम लोगों ने सुना जी, सांसद जी का, स्थानीय प्रशासन का, दोनों के ही इसमें जबरदस्त लापरवाही है। और जो निर्माण करने वाली कंपनी है उस कंपनी का तो 101% इसमें फॉल्ट है ही, लेकिन दिक्कतें कहाँ हो रही है, कमियां कहाँ पर है, गैप्स कहाँ पर है, इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तो ये और भी सालों तक ये कंस्ट्रक्शन जो है खिंच सकता है। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल जांगड़े फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, लगभग 2014 से रोड का काम चल रहा है, क्यों इस तरह की दिक्कतें आ रही कि अब तक रोड ढंग से बन नहीं पाया है? नेहा जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लगभग 4.5 साल का समय जबलपुर से रायपुर का जो हाईवे निर्माण हो रहा है,
जिसकी कीमत लगभग 251 करोड़ रुपए है, यह 4 साल बीत जाने के बाद भी आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस रोड में चलने वाले वाहन, ट्रक, बस व अन्य साधनों को भारी नुकसान का सामना लगातार करना पड़ रहा है। यात्रा करने वाले लोग यह त्रासदी को एक लंबे समय से यहाँ भोग रहे हैं। मंडला की ओर से जाने वाला मार्ग हो, चाहे मंडला से रायपुर की ओर जाने वाला मार्ग हो, ये दोनों तरफ के मार्गों में मंडला जिले की जनता पूरी तरह से पिस रही है और यहाँ पे सैकड़ों जाने जा चुकी है, चाहे वो दो पहिया वाहनों से हो, चाहे बड़े वाहनों से हो। और यहाँ पर इस हाईवे मार्ग में निर्माण के दौरान विभिन्न बड़ी दुर्घटनाएं घट चुकी है। नेहा अनिल, वन वे है या टू वे है ये रोड? नेहा जी, ये टू वे है, टू लाइन बन रही है ये। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लगातार जिला प्रशासन को चेताने के बाद, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चेताने के बाद भी किसी प्रकार के इस अवस्था में कहीं भी सुधार नहीं आया है। और मेरा तो यह मानना है कि इस निर्माण कंपनी में, निर्माण कंपनी के साथ साथ जिला प्रशासन भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। नेहा, निर्माण कंपनी के लोगों से कभी बातचीत हो पाई है किसी तरह की, क्यों इतना डिले हो रहा है? इस संबंध में लगातार उनसे चर्चा होती रही है, लेकिन उनके ढुलमुल रवैये के कारण और कई प्रकार के कंपनी के द्वारा बहाना बनाने के कारण ये मार्ग आज भी पूरी तरह से अधूरा पड़ा हुआ है। और जनता लगातार प्रशासन की ओर बिल्कुल आशा भरी निगाहों से देख रही है कि यह निर्माण कार्य पूर्ण हो तो जिससे यहाँ के जनता और यहाँ के लोगों को राहत महसूस हो। अनिल, क्या पिछले 4 सालों से एक ही जो निर्माण कंपनी उन्हीं को ठेका दिया गया है या फिर टेंडर बदला गया है किसी और के साथ? जी नहीं, एक ही कंपनी है जो कि काफी बड़ी कंपनी है, उनको ये ठेका दिया गया था, लेकिन कभी भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी इस कंपनी के द्वारा समय पे नहीं निभाई गई है। हमने सांसद महोदय की बात भी सुनी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि लोगों को बस खुश होना चाहिए, क्या कहना है उनका और क्या कहना है इसके बाद वहाँ के जो ग्रामीण है उन लोगों का कहना है ये बात सुन के? मैं जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लगातार मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते इन बातों को इन 4 वर्षों के दौरान लगातार भास्कर न्यूज और संवाददाताओं के माध्यम से ये बात को हमेशा से रखा जाता रहा है कि यहाँ की जनता जो त्रासदी भोग रही है उसमें प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाना चाहिए, लेकिन जब उनके बयान आते हैं तो बड़ा निराश होना पड़ता है। और उनका ये कहना होता है कि किसी भी तरीके से इस रोड को पूरे होने दो, प्रशासन अगर अपनी जिम्मेदारी समय पे निभाए तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां दोबारा कभी नहीं होगी। साथ ही जो सांसद है फग्गन सिंह कुलस्ते, उनके भाई ने भी वहां से विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन वो हार गए थे, रामप्यारे कुलस्ते, तो उन्होंने जुमले तो दिए होंगे ना कि सड़क निर्माण किया जाएगा या किसी तरह की कोई बातें तो उन्होंने की होंगी लोगों से? निश्चित रूप से चुनाव के दौरान ये बातें विपक्ष ने पूरी तरह से उठाया और यहाँ की जनता जो इस त्रासदी को भोग रही है उन्होंने इस बात को इन नेताओं के सामने हमेशा रखी कि इस प्रकार की त्रासदी जो हम लोग भोग रहे हैं इसमें अगर सुधार हो तो उनके लिए बेहतर होगा और वो सत्ता में काबिज हो सकेंगे। लेकिन लगातार चेताने और बताने के बाद भी सांसद महोदय की जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती है और उनके विधायक भाई जो पूर्व में उनके विधायक रह चुके हैं रामप्यारे जी कुलस्ते निवास विधानसभा से, उनसे भी बार बार इस बारे में बोला गया लेकिन किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी पूर्ण भूमिका इन लोग यहाँ पर राजनीतिक दलों के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं निभाई गई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मंजू जी, आपने हमारे संवाददाता की पूरी बातचीत सुनी है। जो जिला प्रशासन है, जो अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ रहे हैं, अपनी पॉकेट्स फुल करने में लगे और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बड़ा हादसा भी कभी हो सकता है इस रोड पर, क्या कहना आपका? जी निर्माण जी, रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ फोन लाइन पर मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका भास्कर न्यूज पर। फग्गन जी, पूरा नजारा हमने देखा है आपके क्षेत्र का, जो रोड बन रहा है जबलपुर से मंडला और मंडला से रायपुर, 4 साल हो गए लेकिन अभी तक कार्य जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। देखिए, एक तो 4 साल का कोई आप लोगों ने कहा ये गलत है जी, ये टोटल अभी 2 साल हुआ है सर, 2014 से कार्य निर्माण हुआ है शुरू। देखिए, उसको परमिशन 1 साल बाद मिला जी, और इसलिए थोड़ा काम उसमें डिले हुआ है। ये बात सही है जी कि एक जो पोर्शन था हमारा मंडला चिल्फी, वो काम 1 साल पहले हुआ है। दूसरा जो पोर्शन है हमारा जबलपुर से मंडला जी, उसमें लगभग 60% काम हुआ है, अभी 40% बाकी रह गया है जी। और ये थोड़े बहुत पता नहीं, जो भी कारण हो,
परंतु उसमें जो जो भी डिस्प्यूट आए हैं वो उससे मैनेजमेंट के कारण, उस कंपनी के कारण शायद मुझे लगता है देखने के बाद। सर सुना है कि जो निर्माण कंपनी है वो अपनी मनमानी करने लगी है, इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, इसको एक समय सीमा के अंदर इसको जितना जल्दी पूरा किया जा सकता है उस आधार पर इसको पूरा करना चाहिए। सर हमने सुना है कि जो निर्माण कंपनी है, जो ठेकेदार है, वो मनमानी कर रहे हैं, उसके चलते जो निर्माण कार्य वो नहीं हो पा रहा है। अब देखिए ये तो मुझे पता नहीं है, परंतु मैंने डिपार्टमेंट को कहा है डिपार्टमेंट इस बात की चिंता करे और समय के पूर्व उस काम को पूरा कराए, ये मैंने उनको कहा है। मेरे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है उनसे बात हुई है हाईवे की। लेकिन सर इस तरह का निर्माण कार्य अधूरा रहेगा तो एक बड़ा हादसा कभी हो सकता है, बड़ा हादसा कभी हो सकता है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। ये बात सही है जो आप कह रहे हैं, देखिए आप एकदम उसको ऐसा नहीं कह सकते, 60% हुआ है काम जी, 40% नहीं हुआ है। मैं चूंकि उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ इसीलिए ये बात है, मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ कि उसके लिए अब मैं खुद चिंता कर रहा हूँ और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर आपका बयान भी हमने सुना, उसमें आपने कहा है कि जैसा काम चल रहा है चलने दीजिए, बस लोगों को खुश होना चाहिए। लोग कैसे खुश रहेंगे सर जब रोड ही ठीक नहीं बने, आने जाने में इतनी दिक्कतें हो रही, आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो कैसे लोग खुश रहेंगे? किसी ने नहीं कहा, मैंने खुद डांटा है, मैंने कहा ये तरीका ठीक नहीं है, लोग परेशान है, मैंने खुद कहा है। सर आपका ही बयान हमने सुना है सर, जिसमें आपने साफ तौर पर कहा है कि काम जैसा हो रहा है होने दीजिए, लोगों को खुश होना चाहिए। देखिए ये बात है आज भी अभी कह रहे हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ जी, मेरा कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, मैंने ये कहा है कि जितना जल्दी इस काम को पूरा किया जाए उतना करना चाहिए। मैंने इसलिए डिपार्टमेंट के लोगों से भी बात किया, अधिकारियों से भी बात किया, मैंने पत्र भी लिखा है, मिनिस्टर को भी मैंने कहा है जी। देखिए कुछ लोग आपके लोग होंगे, मुझे लगता है वो अपने तरीके से अगर बात करते हैं तो ये तरीका भी ठीक नहीं। देखिए मैं खुद इस बात के लिए लगा हूँ कि इसको समय में पूरा होना चाहिए जी। चलिए सर मतलब हम ये मान लें कि जल्द से जल्द जो ये निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है वो जल्द पूरा हो जाएगा, बिल्कुल उसको होना ही चाहिए। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। मंजू जी आपने सांसद साहब की पूरी बातें सुन ली है, पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपने भी बयान में देखा, आपने बाइट में सुना कि किस तरह से वो कह रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं है, क्या कहना है आपका? नेहा जी उन्होंने तीन बातें अलग अलग जो बोली हैं, पहली बात तो उन्होंने ये बोला कि पता नहीं है मुझे क्या कारण है उसके नहीं बन पाने गति से काम चलने का जी, तो एक तो इनकी लापरवाही यहाँ पे झलकती है। दूसरा उन्होंने जो बोला है कि मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया, जबकि हम सारे सभी ने देखा कि वो खुद बाइट दे रहे हैं जिसमें उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है जी। दूसरी बात इन्होंने बोला है कि हमने अधिकारियों से बात की और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की इन्होंने बात करी जी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है, मंडला का जो इशू है उसके लिए अकेला नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हम जिम्मेदार नहीं बोल सकते जी। मैंने भी अभी देखा ये 2014 में ही सैंक्शन हुआ था, इन्होंने कहा कि एक साल बाद परमिशन मिली जी। हमारे देश का सबसे बड़ा विडंबना ये है कि रोड जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो एक अलग डिपार्टमेंट कर रहा है, बजट सैंक्शन का काम दूसरा डिपार्टमेंट कर रहा है, लेकिन बीच में जो फॉरेस्ट एरिया पड़ रहा है, जंगल अगर आ रहा है तो उसका जो परमिशन है वो दूसरा डिपार्टमेंट कर रहा है। आज भी हमारे देश में नेशनल लेवल पे इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो परमिशन का काम है कंपनियों को निर्माण कार्य करना है तो रोड्स के परमिशन के जो काम है उनको लेने में उनको महीनों सालों निकल जाते हैं। बिल्कुल, तो उसके लिए जिम्मेदार कंपनी है जो निर्माण कार्य में लगी हुई है वो भी जिम्मेदार है, जो वहां पे जो सिटिंग सांसद है वो भी जिम्मेदार है, स्थानीय प्रशासन भी जिम्मेदार है और केंद्र सरकार के संबंधित डिपार्टमेंट्स वो तो जिम्मेदार है ही। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है, सारा जो निर्माण कार्य सब अपनी पॉकेट्स फुल करने में लगे, अपना भला करने में लगे, लेकिन जनता के सरोकार के लिए क्या करना है उसके बारे में कोई नहीं सोचता है जी। नेहा जी आप जो प्रश्न उठा रही है यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। भ्रष्टाचार हमारे देश का इतना बड़ा एक ये राक्षस बन चुका है कि हम किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन की बात हो या अन्य किसी भी डिपार्टमेंट की हम बात करें, तो रिजल्ट हमें जिस तरह से मिलना चाहिए हम आज तक नहीं ले पाए अपने देश में। और नेशनल हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसके लिए मैं आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी जो वहां के सांसद, उनसे निवेदन करूंगी कि वो इस तरह के लापरवाही भरे जवाब ना देते हुए अगर वो थोड़ा सा भी गंभीरता से इस बात पे विचार करें, अभी समय है, इलेक्शन नजदीक ही है चूंकि हमारे केंद्र सरकार के जी, तो उनको गंभीरता से विचार करना चाहिए और माननीय जो संबंधित डिपार्टमेंट के मंत्री हैं माननीय गडकरी जी उनसे मिलें कि इसके क्या कारण है, क्यों ये कंस्ट्रक्शन में इतना डिले हो रहा है। अगर वो मिलेंगे तो 100% मैं कहना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के लिए फायदा होगा और इस नेशनल हाईवे को पूर्ण किया जा सकता है। अभी हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल जांगड़े फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल अभी हमने वहां के सांसद साहब से बात की, उन्होंने बाइक में कुछ और कहा, हमसे फोन पे कुछ और कहा, वो कह रहे हैं कि मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की है कि लोगों को खुश होना चाहिए, क्या लगता है आपको क्यों अब वो अपने ही बयान से पलट रहे हैं? ये विडंबना है नेहा जी कि
सांसद महोदय जी कैमरे के सामने कुछ बोलते हैं और यहाँ पब्लिक में कुछ और बोलना चाह रहे हैं, ये प्रमाणित होता है कि वो उनके प्रयास कितने सार्थक रहे हैं ये उनके बयान से साफ होते हैं। जबकि कैमरे में बताया था उन्होंने ये बोला था कि किसी भी तरीके से इस रोड को बन जाने दो कि ये पूरी तरह से मेरे ख्याल से जिम्मेदाराना है। तो अनिल क्या समझे, लोकसभा चुनाव बहुत समीप है उसको लेकर इस तरह का उनका जो बयान अचानक से पलट गया, इसलिए पलट गया है? निश्चित रूप से वो किसी भी प्रकार के ऐसे बयान पब्लिक तक नहीं लाना चाहते हैं जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी छवि में असर डालेगा या आने वाले जब वो चुनाव को फेस करेंगे तो उस पर उसका कहीं किसी प्रकार से प्रतिकूल असर पड़े। जी कहीं ना कहीं देखा जाए ऑल ओवर प्रशासन की जो लापरवाही है वो हमेशा जनता के ऊपर भारी बनी रहती है। और इस बार फिर से एक और नजारा मंडला से सामने आया है जहां पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य है पिछले चार सालों से चल रहा है लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं पीछे भाग रहे हैं और हमेशा की तरह जो निर्माण कंपनी है जो ठेकेदार है वो अपनी मनमानी करने में लगे और आए दिन इस सड़क पर रोजाना हादसे हो रहे हैं, कई लोगों की जान जा रही है लेकिन कोई जिम्मेदारी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं। अब देखने वाला वक्त बताएगा कि कब ये सड़क निर्माण पूरा होगा और कब लोगों को सही रोड मिलेगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए भास्कर न्यूज़। नमस्कार।